अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैर से होंगे। आज मेरी लाहौर सीरीज की लास्ट एपिसोड है और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा ग्रेटर इकबाल पार्क में। तो चलें अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसे क़ियामे पाकिस्तान से पहले मिंटो पार्क, क़ियामे पाकिस्तान के बाद इकबाल पार्क और फिर 2016 में इसकी रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद इसे ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में बच्चों के लिए झूले और इसी तरह की दूसरी अट्रैक्शंस भी रखी गई हैं। 329 एकर्स पे वाक़या इस पार्क में टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस रखी गई हैं, जिसमें एक लाइब्रेरी, ओपन एयर जिम, आर्टिफिशियल लेक और डांसिंग फाउंटेंस शामिल हैं। ये पार्क इस कदर बड़ा है कि अगर आप खुद से वॉक करके इसे सारे एरिया को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद पॉसिबल ना हो। सो इसी के पेश नज़र यहाँ पे ट्रेन सर्विस भी दी गई है। कुछ एरिया पैदल चल के कवर करने के बाद हमने भी ट्रेन ट्रैवल किया और ट्रेन पे हमने तमाम पार्क का विज़िट किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। इसी पार्क में चंद कदम आगे जाके मीनार पाकिस्तान भी नज़र आता है। मीनार पाकिस्तान के बारे में कौन नहीं जानता। पाकिस्तान की करारदाद मीनार पाकिस्तान पर ही पेश की गई थी, यानी पाकिस्तान के बनने में मीनार पाकिस्तान की एक अहम तारीखी अहमियत है। ग्रेटर इकबाल पार्क को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। इसकी रेनोवेशन पे 981 मिलियन की एक खतीर रकम खर्च की गई। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे एक बड़ी तादाद में टूरिस्ट डिफरेंट इलाकों से आते हैं। चलें अब आप लोग ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर करें। मिलते हैं आपसे व्लॉग के एंड में। इसके साथ ही मैं अपना आज का व्लॉग और लाहौर की सीरीज़ को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ की प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके आप प्रीवियस एपिसोड्स देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। आने वाले व्लॉग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।